कोरोना की दूसरी लहर ने देश को कितना डैमेज किया आप अच्छे जानते हैं। आपके आसपास लगातार ऐसी तस्वीरें आई होंगी, फेसबुक टाइमलाइंस पर आपने तस्वीरें देखी होंगी कि सभी ने किसी ना किसी को खोया है। लेकिन उसके बाद से जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई और खासतौर पर कोरोना की जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो किया गया तो बहुत हद तक इनमें कमियां आई। लेकिन ये बीमारी अभी भी उतनी ही खतरनाक है और अभी भी लोगों की जान इससे जा रही है। हालांकि इसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कई जगहों पर कई रियायतें दी गई हैं। अब चूंकि दशहरा एक ऐसा त्यौहार है, नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बिहार में लोग लगातार घूमते हैं, पंडालों में जाते हैं और एक गैदरिंग सी हो जाती है, और इसे पिछले बार भी प्रोटोकॉल के तहत मनाया गया था। इस बार के प्रोटोकॉल्स क्या हैं ये सब जानना चाहते हैं। कई दर्शकों ने लगातार कमेंट में हमसे पूछा है कि क्या प्रोटोकॉल है, कैसे घूमना है, तो इन सब का जवाब हम इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। इस बार चूंकि कल ही सप्तमी शुरू हो गई रात के बाद से, तो जो पंडाल है उनके पट खोल दिए गए हैं और माता के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ने की स्थिति बन गई है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की बधाई भी दी है, माता के आगमन पर स्वागत भी किया है और साथ ही साथ वो प्रोटोकॉल भी जारी कर दिया है जिसके तहत आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पंडालों में घूमना है या नहीं घूमना है। इसको लेकर यातायात पुलिस पटना ने भी एक रोड मैप जारी किया है जो आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। इस मैप के हिसाब से आप पूरे पटना में घूम सकते हैं और जो प्रोटोकॉल है वो क्या है वो भी जान लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को दुर्गा पूजा एवं दशहरा की बधाई दी। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा एवं दशहरा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। दशहरा को विजय के रूप में देखा जाता है, यह सत्य पर सत्य की जीत है, लेकिन पारंपरिक तरीके से सद्भाव से लोग हर बार मनाते हैं इस त्यौहार को, लेकिन इस बार भी हमें शांतिपूर्ण तरीके से और हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाना है, लेकिन कोरोना के मद्देनजर जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है। घर से बाहर निकलते समय मास्क एकदम ही आवश्यक होगा। इसको लेकर पुलिस आपको रोक भी सकती है और फाइन भी हो सकता है। इसके अलावा आपको सोशल गैदरिंग से बचना है, एक जगह बहुत ज्यादा लोगों को खड़े नहीं रहना है। पटना पुलिस को पूरी तरह से जिम्मेवारी दी गई है कि सारे पंडालों की मॉनिटरिंग करें और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त दस्तों की व्यवस्था की गई है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास तौर पर इंतजाम किया गया है, महिला टुकड़ी को भी लगाया गया है, जिसके तहत बिहार में इस बार अगर घूमने आप निकलते हैं तो आपको कोरोना की गाइडलाइंस फॉलो करनी है और साथ ही साथ जो सरकार ने नियम कानून बनाए हैं उन्हें भी फॉलो करना है। और अगर एक जगह ज्यादा भीड़ आप लगाते दिखेंगे तो आपको फाइन भी हो सकता है। तो आपको पता चल गया कि इस बार घूमने में बहुत ज्यादा पाबंदियां नहीं है, घूमिए लेकिन सुरक्षित रहिए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।